क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स अ टारगेट इज 1/3। एक टारगेट को हिट कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3। तो यहां पे अगर हम एक इवेंट मान ले एक्स, और एक्स इवेंट क्या कह रहा है कि ए हिट्स द टारगेट, और ए टारगेट को हिट कर दे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स इट, अब बी उस टारगेट को हिट कर दे, ये दिया हुआ है 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम वाई इवेंट कह दे बी हिट्स द टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ये दिया हुआ है 2/5। ये क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट इफ ईच वन ऑफ ए एंड बी शूट्स एट द टारगेट। अब देखिए, ये एक मान लीजिए टारगेट है। अब टारगेट हिट कब कब कहलाएगा? तो देखिए, या तो ए टारगेट को हिट कर दे, ठीक है, ए टारगेट को हिट कर दिया, और बी बी जो है फेल हो गया, टारगेट को हिट नहीं कर पाया, बी का निशाना ये है, तो भी तो टारगेट हिट कहला रहा है ना, ठीक है। और दूसरा केस क्या बन रहा है, ए को चांस मिला, उसका निशाना मिस हो गया, एंड बी को चांस मिला, उसने हिट कर दिया, तो भी टारगेट हिट कहला रहा है, ये क्लियर। और तीसरा केस क्या बन रहा है, ए को चांस मिला टारगेट हिट, बी को चांस मिला टारगेट हिट, यहां पे भी टारगेट हिट कहलाया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको सिंपली ये कैलकुलेट करना है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, तो देखिए, या तो ए हिट ना कर पाए एंड बी भी हिट ना कर पाए, ठीक है, तो ही टारगेट हिट नहीं कहलाएगा, ठीक है। मतलब आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो वन से माइनस कर दो, तो इसके थ्रू भी आंसर आ जाएगा, या फिर ये आप यूज कर लो, इसके थ्रू भी आंसर आ जाएगा। ए एक्स एंड वाई ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे, क्यों? क्योंकि ए टारगेट को हिट कर दिया, इससे बी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कोई कनेक्टिविटी तो यहां दी नहीं हुई है, तो यहाँ पे एक्स और वाई जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट इवेंट का केस यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई नॉट, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, और ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, सिंस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्लियर? तो ये बन गया पी एक्स 1/3, पी वाई नॉट, तो पी वाई नॉट 1-2/5, पी वाई नॉट 1-2/5 3/5, और यहां पे पी एक्स नॉट 1-1/3 2/3। ये क्लियर? तो पी वाई नॉट 3/5, पी एक्स नॉट 2/3, पी वाई 2/5, पी एक्स 1/3, पी वाई 2/5। तो ये आ गया 3+4 7, 7+2 9/15। ये क्लियर? 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो 3/5 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर आप इसको यूज करोगे तो 1-PX0 इंटू पी वाई नॉट, तो 1-PX0 2/3 इंटू पी वाई नॉट 3/5, तो ये बन जाएगा 1-6/15, ये आ गया 9/15, स्टिल यू विल गेट 3/5। तो आप ये यूज करो, दोनों से आंसर आएगा।